हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका विशाल चौधरी फिटनेस चैनल में। मैं हूँ आपका भाई विशाल चौधरी। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि जब आप जिम छोड़ देते हो, जो आप जिम छोड़ देते हो, तब हमारी बॉडी में क्या होता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो, एकदम से छोड़ दोगे तब क्या होगा। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, जब आप जिम जाते हो तो आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हो नॉर्मल लोगों से, ठीक है। तो जब आप फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हो तो जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल बंदा यहाँ है और हम यहाँ आए, ठीक है। तो ये समझो कि आप जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हम अपने एंड्यूरेंस, पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब बूस्ट होता है हमारा, ठीक है। जब हम जिम छोड़ देते हैं तो ये धीरे 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 उसी एवरेज जगह पे आएगा, उसी नॉर्मल जगह पे आएगा जहाँ से ये गया था, ठीक है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब आप काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी भी कारण से आप छोड़ दोगे, तो जो आपका स्टेमिना, पावर, स्ट्रेंथ, जो भी आपने गेन किया है, मसल मास आपका, तो वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। क्योंकि ये हमारा प्राकृतिक नियम नहीं है हमारी बॉडी का कि हम इसे रखें। अगर ऐसा होता ना तो हर कोई मिस्टर मुजफ्फरनगर, मिस्टर इंडिया या मिस्टर ओलंपिया पैदा होता, ठीक है। आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने अगर अपना स्टेमिना, स्ट्रेंथ जो भी गेन किया है, वो आपके उस एक्सरसाइज को छोड़ने के बाद वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। एक एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप इंटरमीडिएट हो, जो अमेच्योर होते हैं, जो मतलब थोड़े से ज़्यादा वर्कआउट किया होता है, जिनका मसल मास ज़्यादा होता है, या फिर जिसने स्टेमिना, कोई भी गेम अगर आप अच्छे लेवल पर खेल रहे थे, तो उनका ये होता है कि उनकी थोड़ी सी जो है मसल मास, उनका स्टेमिना थोड़ा सा रिकवर होने में जल्दी, आप वापस उसे रिकवर जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी होती है, ठीक है। तो यही बात है कि अगर आप जिम छोड़ दोगे अपना, या फिर एक्सरसाइज करनी छोड़ दोगे, जो आपका नॉर्मल था वो वहीं पे ही आ जाएगा, ठीक है। देखो, एक बात ये भी है, जब आप अपना वर्कआउट, एक्सरसाइज वगैरह छोड़ दोगे, ठीक है, तो जो आपकी बॉडी अचीव कर रखा था उस गोल को, तो वो अब कुछ नहीं है आपका। आपकी बॉडी फैट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगी। वो कैसे? जो आप कैलोरीज खा रहे थे, ठीक है, जो आप अपना दिन में जो भी खा रहे थे, वो ये था कि आप कैलोरीज खा रहे हो तो आप उन कैलोरीज को बर्न भी कर रहे हो, ठीक है। वो एक प्रोसेस चल रहा था कि हाँ, ये जा रही है और ये निकल भी रही है, ठीक है। अब आपने अपना वर्कआउट किसी वजह से बंद कर दिया, ठीक है, तो आप सिर्फ वे कैलोरीज खा रहे हो, उन्हें बर्न नहीं कर रहे हो, मतलब आप वे खा रहे हो और वे अंदर ही हैं। आप इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी जितनी आपकी पहले थी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, वो ग्लूकोज ज़्यादा बनाएगी, वो उन्हें क्या करेगी, वो फैट में कन वो जो आप खाओगे वो फैट ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, वो फैट में ज़्यादा कन्वर्ट होगी। तो एक चीज़ ये भी है, जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो तो सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी बॉडी पे ये भी पड़ता है कि आपकी बॉडी फैट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि एवरेज पीपल से, जो आप नॉर्मली बंदे हो, उससे अच्छा आप हेल्दी एक्टिविटी लाइफस्टाइल रखो, आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, चाहे थोड़ी करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली जाओ, जो आपका रूटीन बनता है हफ्ते में 3 दिन का या 2 दिन, चाहे जाओ, मैंने ये कहना है जाओ आप, ठीक है। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अगर बात अच्छी लगी हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा मैं आपके लिए। विशाल चौधरी फिटनेस को सपोर्ट करो। थैंक यू।